अभी अभी की बड़ी खबर रेल महकमे से आ रही है, जहां समस्तीपुर राजकीय रेल थाना के जवान जितेंद्र कुमार के बैरक में 64 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद जीआरपी थाना अध्यक्ष नंद किशोर सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार रेल एडीजी को गुप्त सूचना मिली थी कि सिपाही शराब तस्करी में संलिप्त है। रेल पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने तत्काल टीम गठित कर पूरे मामले की जाँच के लिए छापेमारी कराई। टीम में मुख्यालय और समस्तीपुर रेल डीएसपी के अलावा अन्य लोग शामिल रहे। छापेमारी में बैरक से रेल सिपाही को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामला सामने आने के बाद रेल थाना अध्यक्ष नंद किशोर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई मुजफ्फरपुर रेल पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद की गई है। बताया जाता है कि ट्रेनों में शराब को लेकर छापेमारी की जाती रही है। बरामद शराब को जितेंद्र कुमार के द्वारा बाजारों में बेचने का काम किया जाता था। इसी को लेकर अपने बैरक में ट्रॉली बैग में शराब को छुपा कर रखता था, जिसे वो बाजार में बेचता था। अभी की बड़ी खबर मिल रही है कि रेल पुलिस जो बैरक में से शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं, उस मामले में एसआरपी मुजफ्फरपुर ने रेल थाना अध्यक्ष जो नंद किशोर सिंह है उनको जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अहले सुबह जो है जितेंद्र कुमार एक सिपाही हैं, उनके बैरक से जो है 64 बोतल विदेशी शराब एक ट्रॉली बैग से बरामद किया गया है। और बताया जाता है, सूत्रों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि पूर्व से भी में जो छापेमारी की जा रही है उसमें शराब जो बरामद होते थे उसको तस्करी बेचने का काम करते थे, और जिसमें थानाध्यक्ष की संलिप्तता मिली है। और इस मामले में उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। संजीव तरुण, समस्तीपुर टाउन।